नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक नए वीडियो में। और आप सभी को पता है, मैं रिसेंटली मेरे फैमिली के साथ हॉलीडे पे गया था फुकेत में, और वहाँ मैंने मेरा सैमसंग गैलेक्सी S10 को एज अ प्राइमरी डिवाइस करके यूज़ किया और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी वहाँ क्लिक किए। तो मैं आपके साथ कुछ फ़ोटोज़ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले ही टाइम कुछ फेसबुक पे डाले थे वो फ़ोटो, और काफ़ी लोगों ने मुझे, जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में DM करके पूछा था कि कौन से कैमरा से ये फ़ोटोज़ खींची हुई है। और इवन मैंने फर्स्ट टाइम किसी फ़ोन का अंडर वाटर टेस्टिंग किया है, हालांकि ये IP68 रेटिंग ये सबको पता है, तो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी फ़ोन का ऐसा टेस्टिंग नहीं किया हुआ था, क्योंकि जनरली ऐसे कभी नौबत ही नहीं आई थी। लेकिन वहाँ जब हम लोग आइलैंड पे गए थे, 3-4 आइलैंड से, तो वहाँ आइलैंड पे मैंने ये फ़ोन को अंडर वाटर टेस्टिंग भी किया देखने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी फ़ोन वारंटी में भी है, तो मैं सोचा चलो एक बार करके देख लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस फ़ोन को मतलब कुछ भी नहीं हुआ, अंडर वाटर भी आप आराम से इसका कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने वो अंडर वाटर कैमरा रिकॉर्डिंग का वीडियो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड किया है एंडिंग में, वो भी आप देख सकते हो। और 2 घंटे तक कुछ वार्निंग आती है अंडर वाटर जब भी आपको रिकॉर्ड करते हो, कि आपका जो USB चार्जिंग पोर्ट है उसमें मॉइस्चर है, तो आप उस फ़ोन को चार्ज मत करो करके। लेकिन 2 घंटे के बाद तो वो वार्निंग भी निकल जाती है और फिर आप आराम से फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो आगे आने वाले सभी फ़ोटोज़ मैंने गैलेक्सी S10 प्लस के फ़ोन से ही खींचे हुए हैं, तो आप उस पर्टिकुलर फ़ोटोज़ को देख लेना और आपकी ओपिनियन मुझे बता देना कि आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं DM करके कि OnePlus 7 Pro ले ले या फिर सैमसंग का गैलेक्सी S10 प्लस ले ले। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, OnePlus 7 Pro भी अच्छा है, लेकिन मैं पर्सनली गैलेक्सी S10 प्लस यूज़ करता हूँ और वो फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कुछ फ्रंट कैमरा से सेल्फी खींची हुई थी और ये आइलैंड्स के कुछ तस्वीरें हैं। ये मेरे बेटे की फ़ोटो है। पर्सनली मुझे सभी फ़ोटो अच्छी लगी, क्योंकि ये रेडी टू पोस्ट सोशल मीडिया ऐसे रहती है, आपको कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक स्पेशलिटी फुकेत और थाईलैंड की ये है कि उधर का बीचेस बहुत ही अच्छे है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मेरा भाई है, छोटा भाई। सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने वाइड एंगल का किया है फ़ोटो खींचने में। और ये वो पर्टिकुलर अंडर वाटर का एक वीडियो है, जहाँ मैंने गैलेक्सी S10 प्लस को अंडर वाटर लेके गया था, करीबन थोड़ा 1-2 फुट समझ सकते हो। और ये सेकेंड वीडियो है, थोड़ा और नीचे लेके गया था, लेकिन ट्रस्ट में कुछ हुआ नहीं फ़ोन को, सिर्फ 2 घंटे तक वार्निंग आया था कि आपका पोर्ट मॉइस्चर है तो आप चार्जिंग मत करो करके। अदरवाइज़ ये कुछ लो लाइट फ़ोटोज़ है, लो लाइट फ़ोटोज़ ज़्यादा खींची नहीं थी मैंने, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी फ़ोटो है, लेकिन मैं वाइड एंगल से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तो ये कुछ फोटोज़ थी गैलेक्सी S10 प्लस की, आई होप आपको अच्छी लगी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।